हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और इसमें केमिकल रिएक्शंस होंगे आपके कार्बन और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के। तो फर्स्ट कैटेगरी है कम्बस्चन। अब देखते हैं कम्बस्चन में क्या होता है। कम्बस्चन इज अ प्रोसेस इन विच एनी सब्सटेंस बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। कोई भी सब्सटेंस जब बर्न होगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट एंड लाइट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कम्बस्चन। तो हमारा जो टॉपिक है कम्बस्चन, उसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे रिएक्शंस हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है हमारा वेन कार्बन बर्न्स इन एयर। तो इस केस में क्या होगा, सी प्लस ओ टू। वेन कार्बन बर्न्स इन एयर तो ये क्या बनेगा इस केस में, सी ओ टू एंड प्लस हीट एंड लाइट। उसके बाद आएगा कि व्हाट हैपन्स वेन मिथेन बर्न्स इन एयर। अब जब मिथेन का फॉर्मूला हम लिखना पड़ेगा हमें, मिथेन क्या होता है, सो मिथेन इज सी एच फोर, सी एच फोर प्लस ओ टू। अब यहाँ पे सी ओ टू तो रिलीज होगी, प्लस कुछ वेपर्स भी निकलेंगे, डेट इज एच टू ओ, और प्लस क्या रिलीज होगा, अगेन हीट एंड लाइट। तो ये था हमारे पास व्हाट हैपेंस व्हेन मिथेन बर्न्स इन एयर। सिमिलरली हमारे पास आ सकता है व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल बर्न्स इन एयर। तो इथेनॉल का फॉर्मूला हम लिखेंगे क्या होता है, इथेनॉल इज सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, और इसमें भी प्लस ओ टू, तो यहां पर भी क्या होगा, सेम होगा, सी ओ टू प्लस एच टू ओ एंड प्लस हीट एंड लाइट। तो ये था आपके पास कि कम्बस्चन के ऊपर, कम्बस्चन किसकी प्रेजेंस में होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कम्बस्चन का मीनिंग क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जब बर्न होगा टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। तो ये आपके तीन रिएक्शन थे फॉर कम्बस्चन। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारे पास, उस टॉपिक का नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाउ व्हाट हैपन्स इन दिस केस, इस केस में एक सब्सटेंस एक एलिमेंट की जगह पे दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, या फिर एक एटम की जगह पे दूसरा एटम आ जाएगा। इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ रिएक्शन इन विच वन एटम विल गेट रिप्लेस बाय अनदर एटम। नाउ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स। ये प्रॉपर्टी होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। तो इस केस में हमारे पास है सी एच फोर, दैट इज मिथेन, और ये रिएक्ट करेगा हमारे पास किस केस से रिएक्ट करेगा, सी एच फोर को रिएक्ट करना जरूरी है यहाँ पे सी एल टू से। अब वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं दे आर अनरिएक्टिव। तो ये रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये बना हमारे पास सी एच फोर प्लस सी एल टू। अब देखते हैं इसमें होगा क्या। सी एच फोर का अगर हम डायग्राम बनाएं तो सी एच फोर इज दिस, ये है हमारे पास सी एच फोर, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। अब होगा क्या, यहां से जो आप देख रहे हो सी एल टू, ये एक हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस कर देगा। यानी अगर मैं इसको यहां से हटाऊं तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, यहां पर अब आ जाएगा मेरे पास क्लोरीन, और इसी तरह यहां पर भी क्लोरीन आ सकता है, यहां पर भी क्लोरीन आ सकता है, और यहां पर भी क्लोरीन आ सकता है। तो हमें सिर्फ एक ही शो करना है। अब इस एक ही जगह पे हम दिखाएंगे कि इस जगह पे क्या आ गया, मेरे पास क्लोरीन आ गया। तो इसका क्या नाम बनेगा, इसका नाम बना हम लिखते हैं इसको एक बार, यहां पे बना सी एच थ्री सी एल प्लस, क्या बच गया, अब एक हाइड्रोजन तो हमारे पास यहां पे था और एक क्लोरीन यहां बच गया, तो हमारे पास क्या बना, प्लस HCl। तो ये रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी एक हाइड्रोजन के एटम को अगर हम देखें यहां पे, तो यहां पर क्या प्रेजेंट था हमारे पास, एक हाइड्रोजन का एटम, और उसे रिप्लेस करके कौन आ गया, Cl, और बाकी क्या बच गया, HCl, और हमारा जो नया कंपाउंड बना है उसे हम क्या बोलेंगे, CH3Cl। सो दिस वॉज द रिएक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं कौन सी है हमारे पास। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास एडिशन रिएक्शन। नाउ एडिशन रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज एग्जाम बोर्ड एग्जाम इज कंसिडर। इस केस में क्या होता है हमारे पास कि जो एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, अनसेचुरेटेड यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो जाता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, और इसमें कुछ कैटलिस्ट का भी यूज करना होता है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट आर दोस विच हेल्प्स इन द इंक्रीजिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो कैटलिस्ट वो होंगे जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। लाइक हमारे पास कौन कौन से हैं, इसमें एक निकल आ जाएगा और एक पैलेडियम आ जाएगा। तो निकल और पैलेडियम हमारे पास यूज होंगे। तो अभी मैं यहाँ पे एक ही लिख लेता हूँ, लेट्स से इट इज निकल Ni। और उसके अलावा ये जो रिएक्शन है इस केस में हमें क्या ऐड करना है, इसमें हमें हाइड्रोजन से रिएक्ट कराना है।
तो अभी रिएक्शन को अब देखते हैं कैसे होगा ये एडिशन रिएक्शन। हम यहां पे केस लेते हैं, इथीन को कन्वर्ट करना है इथेन में। सो व्हाट इज इथीन? इथीन का फॉर्मूला क्या होता है? इथीन इज सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू। यानी अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो हम स्ट्रक्चर भी बना के देख लेते हैं, कार्बन और उसके बाद कार्बन के पास हमारे पास एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पे कि आप एक तो ये स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं और दूसरा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। लेट से मैं अगर बना रहा हूँ दोबारा यहाँ पे, इसको इरेज करके एक बार दोबारा बनाते हैं हम, तो इस केस में क्या आएगा हमारे पास? एक कार्बन और उसके बाद फिर यहाँ पर और यहाँ पर और फिर बीच में डबल बॉन्ड और फिर एक कार्बन और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो हमारे पास ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और अगेन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। किससे रिएक्ट करेगा ये? प्लस ये रिएक्ट करेगा H2 से। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होंगे वो हम होंगे हमारे पास निकल और पैलेडियम, निकल और पैलेडियम। अब क्या करना है हमें इस केस में? हमें यहाँ पर ये देखना है, अब हमें इस केस में देखना है कि कैसे ये रिएक्ट कर रहा है। तो आपने जो देखा यहाँ पे कि हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है। सो दिस हाइड्रोजन ये रिएक्ट कर जाएगा, यानी एक हाइड्रोजन आ जाएगा इस साइड में और एक हाइड्रोजन आ जाएगा इस साइड में। और जो आपने ये देख रहे हो, आप बीच में जो ये डबल बॉन्ड देख रहे हो, अब इस डबल बॉन्ड का क्या होगा? ये डबल बॉन्ड भी कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो देखते हैं कैसे होगा ये। तो ये हमारे पास बन रहा है कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, दो हाइड्रोजन तो पहले से ही थे, एक हाइड्रोजन और आ जाएगा। दो सेम इस वाले में भी दो हाइड्रोजन पहले से थे और एक हाइड्रोजन और आ जाएगा। तो यहाँ पर तो हमारे पास पहले से ही थे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन पहले से ही था। अब बाकी क्या आ गया? एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। सो दिस इज एडिशन रिएक्शन, यानी एक डबल बॉन्ड वाला कन्वर्ट हो रहा है एक सिंगल बॉन्ड वाले में। दैट इज हमारे पास क्या कन्वर्ट हो रहा है? हमारे पास इथीन कन्वर्ट हो रहा है इथेन में। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज एडिशन रिएक्शन एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसकी कुछ एप्लीकेशन भी है। एप्लीकेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि इसका यूजेस क्या है। तो इसका यूज है हाइड्रोजनेशन, यूजेस हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। इट मींस अगर मुझे कन्वर्ट करना है वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में, कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी, यानी ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म है और ये हमारे पास इसकी सॉलिड फॉर्म है। तो हमें अगर ये रिएक्शन कंप्लीट करना है तो ये भी कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ एडिशन रिएक्शन, और उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। और एक बात और ध्यान रखनी है, हमारी हेल्थ के लिए क्या हार्मफुल होता है? हमारी हेल्थ के लिए जो हार्मफुल होगा वेजिटेबल घी, और हमारी हेल्थ के लिए जो फायदेमंद होगा वो होगा वेजिटेबल ऑयल। और आपको एक चीज का और पता होना चाहिए कि इनमें से सैचुरेटेड वाला कौन सा है और अनसैचुरेटेड वाला कौन सा है। तो आपके पास जो वेजिटेबल ऑयल है, ये जो है आपके पास, दिस इज अनसेचुरेटेड। और अगर हम बात करें कि वेजिटेबल घी की स्टेट क्या है, तो दिस इज सेचुरेटेड। तो ये आपके पास सेचुरेटेड है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि किस तरह आपके पास ये रिएक्शंस हैं और किस तरह ये कंप्लीट करने हैं। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या देखा? हमने एक तो कंबशन कर लिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लिया और एडिशन रिएक्शन कर लिया। अब आगे हम चेक करेंगे कि बाकी रिएक्शंस कैसे होते हैं। थैंक यू।